सुप्रीम कोर्ट से मनीष कश्यप को नहीं मिलती दिख रही है राहत। मनीष कश्यप के वकील ने पूछा किस आधार पर लगाया NSA। बिहार सरकार का पक्ष रहे वकील ने बताया आतन अपराधी। कपिल सिब्बल ने कहा लाखों फॉलोअर पत्रकार नहीं राजनेता है, पूर्व में भी लड़ चुका है चुनाव। यूट्यूबर मनीष कश्यप केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। लाइव लॉक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चरणचूड़ ने मनीष कश्यप के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई पर सवाल पूछा। मुख्य न्यायाधीश के सवाल पर सिब्बल ने कहा देखिए वह मनीष कश्यप कर क्या रहा है, फर्जी वीडियो बनाते हुए कहता है कि तमिलनाडु में रह रहे बिहार के लोगों पर हमला किया गया। सिब्बल ने आगे कहा कि उसके 60 लाख फॉलोवर हैं, वह एक राजनेता है, वह चुनाव लड़ चुका है, वह एक पत्रकार नहीं है। तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी पूछा कि यूट्यूबर मनीष कश्यप पर NSA किस आधार पर लगाया गया। यही नहीं, बेंच ने कहा कि मनीष कश्यप को अगली सुनवाई तक मदुरई सेंट्रल जेल से और कहीं ना ले जाया जाए। वहीं मनीष कश्यप के पक्ष में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि पहली FIR पटना में दर्ज हुई थी, ऐसे में वह चाहते हैं कि तमिलनाडु में दर्ज सभी FIR को पटना वाली FIR के साथ क्लब कर दिया जाए। कपिल सिब्बल के साथ साथ बिहार सरकार के वकील ने इस पर आपत्ति जताई। कपिल सिब्बल ने कहा कि तमिलनाडु में दर्ज की गई FIR मनीष कश्यप की ओर से यहां लिए गए इंटरव्यू के आधार पर दर्ज हुई है। कश्यप के पक्ष के वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि तमिलनाडु में दर्ज हुए मामले दुर्भाग्यपूर्ण हैं। दवे ने NSA की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। वहीं इस मामले पर बिहार सरकार का पक्ष रखने वाले वकील ने कहा कि मनीष कश्यप एक आदतन अपराधी है, उसकी आदतें सिर्फ वीडियो बनाने तक ही सीमित नहीं है, उस पर कई गंभीर मामले भी दर्ज हैं, जिसमें धारा 307 का मामला भी है। मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार 28 अप्रैल को होनी है। वैसे मनीष कश्यप को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखें।